नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे दोस्तों ये आर एस प्री के लिए हमने 2024 के लिए सीरीज स्टार्ट की है और जिसमें हम रीजनिंग का क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आज हम चर्चा करेंगे बच्चों कोडिंग रिकॉर्डिंग कूट वाचन कोडिंग रिकॉर्डिंग सांकेतिक कूट भाषा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज ठीक है तो आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे कोडिंग सांकेतिक कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखो एबीसीडी का क्रम आपको आना चाहिए ए पे एक B, पे दो सी पे तीन और डी पे चार सबसे पहले हम ये क्रम जो है वही हम सीखने वाले हैं इसी को ही सबसे पहले जो है हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो आइए ई शुरू e, के अक्षर के नंबर याद रहते हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है और एक एक्स वाई जेड चौबीस पच्चीस छब्बीस एक तो शुरू के अक्षर के नंबर याद रहते हैं और एक हमें आखिरी के अक्षर के नंबर याद रहते हैं ठीक है प्रॉब्लम आती है बीच वाले अक्षर में अब इनको याद करने का तरीका क्या है वो आपको सीखना है तो सबसे पहले e, एबीसीडी दो तीन चार पांच ठीक है और एक्स वाई जेड चौबीस पच्चीस और छब्बीस शुरू के अक्षर के नंबर एक तो हमें याद रहते हैं एक हमें आखिरी के अक्षर के नंबर याद रहते हैं मैं बता रहा हूं कि प्रॉब्लम जो आती है वो बीच में आती है तो देखो ए बी सी डी ई एक दो तीन चार पांच एफ से बनता है फिक्स क्या बनता है एफ से फिक्स और फिक्स को अपन बोलते हैं सिक्स तो एफ का जो नंबर है वो कितने पे आता है सिक्स नंबर पे आता है जी जब भी आप जी बनाते हैं तो आखिरी में बनता है सेवन कितना बनता है सेवन तो जी चाहता क्या है कितना नंबर दिया जाएगा इसको सेवन नंबर दिया जाएगा ठीक है अब बात करें हम एच की डिजिटल क्लॉक में कभी भी आप आठ को देखना ऊपर और नीचे के डंडे दिखाई नहीं देते वहां हम हिसाब किताब लगाते हैं कि भैया ये एस तो नहीं बजे कितने बजे आठ तो आज के बाद याद रखना ये डिजिटल क्लॉक का एट है ऊपर और नीचे के डंडे दिखाई नहीं देंगे इसलिए नंबर कितना आता है एच का आठ पे आता है एक अक्षर जिससे बड़ी आसानी से मैं आठ बना सकता हूं वो अक्षर होता है आर अगर इसे हल्का सा राउंड कर दूं तो ये आठ जैसा लगेगा पर मैं आठ नंबर तो दे नहीं सकता और अट्ठाईस होते नहीं है तो मैं नंबर कितना दे के आऊंगा अठारह एटीन तो आर का नंबर जो है वो कितने पे आता है एटीन पे आता है आई ऐसे बनाते थे बचपन में आई बनाते थे नो जैसा लगता था आज के बाद आई को जब भी देखोगे बोलोगे आई नो क्या बोलोगे आई नो या आई के साथ आई नॉक्स नो नौ निकलना चाहिए ठीक है या तो आई नो

W को भी अगर 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो ये तीन जैसा नजर आएगा पर मैं तीन नंबर दे नहीं सकता क्यों क्योंकि तीन नंबर तो सी ले गया ठीक है और तेईस और तेरा दो नंबर बचते हैं 33 होता नहीं है इसमें तो आज के बाद याद रखना M और w से तीन तीन बनता है और तीन तीन बनने के कारण इसका नंबर होता है तेरह और तेईस ओपी जब भी आप देखोगे ओपी ओपी से बनता है ओम प्रकाश क्या बनता है ओपी से ओम प्रकाश पंद्रह सोलह करते हुए कोई भी चीज़ जोड़नी है ओम प्रकाश पंद्रह सोलह चॉकलेट रखता है या ओम प्रकाश पंद्रह सोलह गाय भैंस रखता है तो यहाँ पंद्रह सोलह करते हुए कोई भी चीज़ आपको जोड़नी है यू बी से बनता है युवा और युवा से होती है शादी गांव शहर कस्बा अगर तीनों को मिला दूं तो जो अधिकतर शादी होती हैं वो कितने साल में होती हैं इक्कीस बाईस साल में होती हैं तो आज के बाद याद रखना है यू से बनेगा युवा और युवा से शादी और अधिकतर शादी जो होती हैं वो इक्कीस बाईस साल में होती हैं ट्वेंटी और ट्वेंटी टू ये नंबर रहेगा यूबी का ठीक है टी ट्वेंटी याद रहेगा टी ट्वेंटी बहुत देखते हैं अपन टी ट्वेंटी और किंग्स इलेवन पंजाब टी ट्वेंटी और किंग्स इलेवन पंजाब ठीक है क्यू से बनती है क्वीन रानी क्वीन पहनती है ताज क्वीन का जो ताज होता है उसमें हीरे जड़े होते हैं और हीरों की जो संख्या है वो फिक्स है कितनी सत्रह क्यू से क्वीन क्वीन पहनती है ताज क्वीन के ताज में हीरे जड़े होते हैं और हीरो की संख्या फिक्स है कितनी सत्रह एक तो ए फिक्स है डबल छः पे और एक छः का डबल फिक्स है छ का डबल बारह कितने पे आता है एल पे आता है ये तो पढ़ा होगा आप सभी ने एजोटी ये फाइव की टेबल होती है पूरी पांच का पहाड़ा होता है ये ठीक है कैसे पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस एक अक्षर ऐसा है जिसको मैं कभी भी नहीं लिखता हूं ए से लेके जेड तक में जिससे वो नंबर मुझे हमेशा याद रहता है तो यहां पर अगर बात करें मैंने एक अक्षर जो है वो छोड़ा है और वो है एन तो जिससे मुझे नंबर हमेशा याद रहता है कि एन का जो नंबर आता है ना वो कितने पे आता है सर फोर्टीन पे आता है ठीक है तो ये एबीसीडी का क्रम है ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको आना चाहिए तभी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल आपका जो है वो सही होगा दो क्रम होते हैं ये सीधा क्रम होता है एक उल्टा क्रम होता है जेड पे एक वाई पे दो और एक्स पे तीन ठीक है किसी भी अक्षर का उल्टा क्रम निकालने के लिए उस अक्षर का नंबर 27 में से माइनस करके अपोजिट जो है इसका निकाल सकते हैं जैसे एन एन की बात करें कि एन यहां फोर्टीन पे आ रहा है तो ट्वेंटी सेवन में से मैं फोर्टीन माइनस करूंगा तो एम एन का जो अपोजिट नंबर है वो होता है थर्टीन और थर्टीन पे अक्षर क्या आता है एम आता है तो मैं कह सकता हूं एन का उल्टा एम होता है और एम का उल्टा एन होता है तो वापस याद दिला रहा हूं फिर से सुन लीजिए आप किसी भी अक्षर का उल्टा क्रम निकालने के लिए उस अक्षर का नंबर 27 में से घटाकर उल्टा क्रम हमेशा निकाला जा सकता है जैसे अगर बात करें जे का नंबर 10 पे आता है ठीक है 27 में से 10 माइनस करेंगे तो बच्चों ये 17 17 पे क्या आता है क्यू आता है तो क्यू का उल्टा जे होता है और जे का उल्टा क्यू होता है एक तो ये तरीका है किसी भी अक्षर का उल्टा क्रम निकालने के लिए ठीक है एक इसको याद करने का तरीका और है फिलहाल ये क्रम देख लीजिए आप सभी ये सीधा क्रम है ये हमारे काम में आने वाला है और अपोजिट के लिए जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो आप देख लीजिए टोटल अक्षर होते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स का हाफ होता है थर्टीन फर्स्ट हाफ की बात करें ए से लेके एम तक ठीक है तो मैं फर्स्ट हाफ को बोर्ड पे लिख रहा हूं फर्स्ट हाफ को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ठीक है अब देखो मेरी बात सुनो ए का उल्टा जेड होता है जेड का उल्टा ए होता है आप इसे याद रख सकते हैं ए टू जेड कुछ नाम मैं आपके लिए बोल रहा हूं इनमें से कोई भी एक नाम आपको चुनना है जिससे ये अपोजिट क्रम जो है वो आपको याद हो जाए ठीक है तो वापस सुनिए मेरी बात आप इसे बोल सकते हैं ए टू जेड आज आजाद अजरुद्दीन या फिर आजा कोई भी एक नाम चुनना है वापस ए टू जेड आज अजरुद्दीन आजा आजाद ये कोई भी एक नाम आपको चुनना है बी का उल्टा होता है बच्चों वाई और वाई का उल्टा होता है बी या तो बोलेंगे बॉय या बोलेंगे बाय ठीक है या तो बॉय या फिर बाय सी एक्स कॉरेक्स खांसी की दवाई आती थी कॉरेक्स नाम से एल्कोहल ज्यादा आता था बीच में बंद हो गई वापस चालू हो गई या तो बोले सीएक्स कॉरेक्स या बोलेंगे अपन इसको क्रॉस सी के साथ एक्स निकलना चाहिए ठीक है डी डब्ल्यू दूध वाला दिल वाला या ड्यू दूध वाला दिल वाला या फिर ड्यू ईवी से बनेगा इवनिंग या फिर एवरी ईवी से या तो इवनिंग या फिर एवरी तो मेरे साथ साथ बोलो पूरी क्लास एक बार स्टार्टिंग से हां जी हां बोलिए आजा बॉय कॉरेक्स, दूध वाला इवनिंग ठीक है अब यहां से एफ यू फादर अंकल फादर अंकल फ्यूल या फ्यूज एप के साथ यू निकलना चाहिए है ना और ये है बच्चों जीटी जीटी रोड या फिर गौरव टावर एच एस हनी सिंह हर हरवजन सिंह हरीशंकर हाई स्कूल एच के साथ एस निकलना चाहिए आपको हनी सिंह याद रहेगा ठीक है आई आर इंडियन रेलवे आई आर इंडियन रेलवे जेक्यू जेब कतरा जयपुर क्वीन जंगल क्वीन जंगली क्वीन जे के साथ क्यू आना चाहिए ठीक है तो एक बार स्टार्टिंग से मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी हां जी आइए आजा बॉय कॉरेक्स दूध वाला इवनिंग फादर अंकल जीटी हनी सिंह इंडियन रेलवे जेब कतरा केपी कटप्पा केपी कटप्पा काला पानी या फिर पीके ठीक है एलो लो या लव एलो से लो या लव एमएन मालवी नगर महेश नगर मोबाइल नंबर मकान नंबर मेरा नंबर मैडम का नंबर मैन मन बहुत सारे नाम है एमएन ठीक है तो एक काम करते हैं मेरे साथ साथ पूरी क्लास एक बार बोले हाँ जी शुरू करते हैं आजा बॉय कॉरेक्स दूध वाला इवनिंग फादर अंकल जीटी हनी सिंह इंडियन रेलवे जेब कतरा काला पानी लव और मन ठीक है भाई तो ये अपोजिट नंबर हैं ये भी पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में दो ही क्रम काम आते हैं एक सीधा क्रम काम में आता है एक उल्टा क्रम काम में आता है अब मैं आज आपकी बहुत जोरदार प्रैक्टिस कराने वाला हूँ किस तरह के एग्जाम्पल जो हैं आपको देखने को मिलेंगे उसकी हम बात जो है करेंगे इसके अंदर ठीक है देख लीजिए पूरी क्लास ये क्रम है तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है एक तो देखिए बच्चों डाउनलोड करिए रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है उसको आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें नॉमिनल चार्ज पे मैथ्स रीजनिंग का जो कोर्स है मैथ का भी स्पेशल रीजनिंग का भी कॉम्बो पैक भी सारे आपको अवेलेबल रहेंगे साथ के साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी और मेरे कुछ वीडियो जो फ्री वाले वीडियो हैं कोर्स के वो आपको देखने को मिलेंगे ठीक है बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर के एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं ये पहला एग्जाम्पल है बोर्ड पे ठीक है कैट कैट को लिखा जाता है ट्वेंटी फोर तो आपसे पूछा जा रहा है बैट को कैसे लिखा जाएगा आया हुआ एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आया था एम पी पी सी एस प्री टू थाउजेंड ट्वेल्व के अंदर सी का नंबर होता है थ्री ए का होता है वन और ये होता है ट्वेंटी सभी का टोटल करें ट्वेंटी फोर यहाँ से टू वन ट्वेंटी सभी का टोटल करें तो करेक्ट आंसर आप देके के आएंगे 23 यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है ठीक है अक्षर के ऊपर नंबर लिखना है नंबर लिखने से पता चल जाता है कि कैलकुलेशन क्या चलने वाली है ठीक है भाई अब बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल आपके सामने है यहां पर भी देखिए सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है अक्षर के ऊपर हम नंबर लिखना शुरू करते हैं जी का होता है सेवन ए का होता है वन आर का होता है एटीन एम का होता है थर्टीन फाइव फोर्टीन ट्वेंटी और नाइनटीन सभी का जब आप टोटल करते हैं तो कितना आता है सर नाइनटी सेवन आता है ठीक है अब आप बताइए इसी क्रम में आप आंसर निकाल सकते हैं सर बिल्कुल निकाल सकते हैं कैसे देखिए जी का नंबर सेवन वन थर्टीन और फाइव ठीक है यहां से ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो डी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है ठीक है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ठीक है बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल थर्ड नंबर का है एग्जाम का नाम लिखा हुआ है जेड का नंबर मैं जानता हूं कितने पर आता है 26 पे आता है ठीक है जेड का नंबर आपको पता है 26 पे आता है और एन का आता है सर 14 पे आता है ये 5 है ये 20 है सभी का अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना आता है सर 39 आता है इसी क्रम में क्या आंसर निकाल सकते हैं आप बिल्कुल निकाल सकते हैं एन का फोर्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी ठीक है इन सभी का अगर मैं टोटल करता हूं तो ये 41 और ये 45 और ये आंसर आ जाएगा सर 55 यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है ठीक है अब बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ फोर्थ नंबर का एग्जांपल है ये अब इसको आप सभी एक बार ट्राई करिए क्या सीरीज चल रही है एक बार देख के पता करिए मैं अभी भी कह रहा हूं देखो जब भी जैसे यहाँ टोटल लिख लेते हैं इसको एक बार देखो यहाँ टोटल जो लेटर्स दे रखे हैं वो फाइव हैं या नंबर भी फाइव हैं जब भी जितने अक्षर हैं उतनी ही संख्या दी है तो एक बात समझ लेना आप कि एक अक्षर का एक नंबर से मतलब होगा अगर यहाँ कुछ टोटल लिखा होता तो फिर उनमें प्लस का आ, करके या तो जितने अक्षर हैं उतने माइनस करने पड़ते हैं या जितने अक्षर हैं उतने प्लस करने पड़ते हैं या जितने अक्षर हैं उतने मल्टीप्लाई करना पड़ता है ठीक है फिलहाल यहाँ जो सीरीज है वो एक अक्षर का एक नंबर से रिलेशन होने वाला है मैं काम करता हूं मैं नंबर लिख देता हूं जिससे आइडिया लग जाएगा जे का टेन ट्वेंटी वन नाइन थ्री फाइव ठीक है आप बताइए टेन से नाइनटीन कैसे ला सकते हो सर इंटू टू माइनस वन हाँ जी इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस वन यहाँ जो क्रम चल रहा है वो क्या चल रहा है कि सर इंटू टू माइनस वन की सीरीज जो है इसमें काम कर रही है ठीक है इसी क्रम में हम आ, आंसर निकाल सकते हैं भाई ट्वेंटी है ये फिफ्टीन है ये ट्वेंटी फाइव इंटू टू माइनस वन थर्टी इंटू टू माइनस वन ट्वेंटी इंटू टू माइनस वन फोर्टी नाइन ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है फटाफट से देख लीजिए एक बार बढ़ रहे हैं फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगले एग्जाम्पल पे आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है आपकी आंखों के सामने इसको हम सॉल्व करते हैं यहां अगर हम देखें क्या सीरीज चल रही है देखें एक्स वाई बराबर है सिक्स हंड्रेड के और ए बी सी बराबर है सिक्स के तो उसी क्रम में जीओ प्लस डी का मान कितना होगा अब आप एक बार बोर्ड पर देखिए यहाँ अक्षर के ऊपर अगर मैं नंबर लिख देता हूँ तो देखो एक आता है वन पे ये आता है टू पे ये आता है थ्री पे इन सबसे सिक्स कैसे आ सकता है कि सर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए x का नंबर 24 है y का 25 है मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 आप बताइए इसी क्रम में आंसर निकाला जा सकता है बिल्कुल निकाला जा सकता है भाई यहाँ आएगा सेवन यहाँ आएगा फिफ्टीन कर दो इनका मल्टीप्लाई सात के साथ में यहाँ फोर आएगा और यहाँ कितना आएगा फिफ्टीन आएगा ठीक है यहाँ से आएगा वन जीरो फाइव और यहाँ से आएगा सिक्सटी तो आंसर आएगा वन सिक्सटी फाइव ऑप्शन की बात अगर हम करते हैं तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है आप टेंशन मत लीजिए ये टॉपिक जितने भी हैं आर एस प्री में उनकी प्रैक्टिस क्लास क्रैश कोर्स जो है मैं सारे ही टॉपिक आपका दो फरवरी को पेपर है उससे पहले पहले मैं सारे टॉपिक आपके बहुत जोरदार तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा ठीक है कोशिश मेरी यही रहेगी बच्चों की मैथ की क्लास भी मैं आपके लिए लेके आऊँ ठीक है ये मेरी कोशिश रहेगी पर फिर भी मैथ्स वाले सर से मैंने बात की है तो उनको भी जो है मनीष गुप्ता सर जो है ऋषि सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे सर पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं तो सर से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि सर इन बच्चों के लिए यूट्यूब पे मैथ की क्लास भी दी जाए तो सर ने बोल दिया है कि हाँ सर आने वाले टाइम में मैथ की क्लास भी हम आपके लिए लेके आएंगे क्रैश कोर्स के हिसाब से ठीक है तो फिलहाल ये फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल था आंसर था वन अब बढ़ रहे हैं आगे ये सिक्स नंबर का एग्जाम्पल है सीरीज का पता करना है सीरीज क्या चल रही है एक बात तो ये भी समझ में आ रही है आपके कि सर यहाँ चार अक्षर हैं चार संख्या है मैंने कहा था जितने अक्षर हैं उतनी संख्या है तो एक अक्षर का एक संख्या से रिलेशन होता है आप देख के क्या सीरीज चल रही है अक्षर के ऊपर नंबर लिख के पता कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको एक बार साइड में ठीक है क्या सीरीज का क्रम है वो देख लेते हैं एम का नंबर थर्टीन पे आता है ए का वन पे आता है ट्वेल्व पे आता है ये टू एट फाइव और ट्वेल्व अब आपको ये देख के पता करना है कि सीरीज का क्रम क्या है ठीक है और यहाँ देख के आपके समझ में भी आ रहा होगा कि सर यहाँ थर्टीन लिखा है यहाँ फिफ्टीन है तो ये प्लस टू है वन से थ्री भी प्लस टू है ट्वेल्व से फोर्टीन भी प्लस टू है फाइव से सेवन भी प्लस टू है तो सब में प्लस टू प्लस टू की सीरीज है आप इसी क्रम में आंसर भी निकाल सकते हैं है ना कैसे निकालेंगे देखिए एक बार भाई टू में प्लस टू करते हैं तो फोर आता है ठीक है यहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है परेशान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से सर टेन आएगा ठीक है यहाँ से सर सेवन आएगा और यहाँ से सर फोटीन आएगा तो यहाँ फोर टेन सेवन फोटीन फोर टेन सेवन फोर्टीन हाँ जी ऑप्शन बी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपके समझ में आ रहा है ना ठीक है तो अब बढ़ते हैं फिर आगे नंबर का एग्जाम्पल है अब बढ़ते हैं आगे हम सेवन नंबर की बात करते हैं अब सेवन में आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या लिखा है देखो इसके बराबर ये है जितने अक्षर हैं उतने ही नंबर हैं तो मैंने बताया था एक अक्षर से एक नंबर आएगा और वो आप जब तक पता नहीं कर पाएंगे जब तक आप इनकी वैल्यू पुट नहीं करोगे इनके अंदर इनका मान रख दीजिए सामने कैसे नंबर आए हैं वो सीरीज आपको पता चल जाएगी ठीक है तो यहां लिखता हूं मैं देखो नाइन फाइव फोर नाइन वन ठीक है और जिन्होंने अभी तक स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज बच्चों ज्वाइन नहीं की है आर एस प्री के लिए तो वो सभी बच्चे राजस्थान में आप कहीं भी रहते हैं स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज बहुत मेहनत से वो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है फैकल्टी के द्वारा बनाई जा रही है और हम सभी लोग उसमें जो है वो काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं तो स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज भी आप ज़रूर ज्वाइन करें ठीक है आर एस प्री के लिए तो यहाँ पर देखिए आई का नंबर है नाइन एन का है फोर्टीन डी का है फोर आई का है नाइन और ए का है वन यहाँ से फोर फाइव ट्वेल्व एट और नाइन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ मुझे देखने में आ रहा है कि सिंगल डिजिट में कोई भी नंबर है उसको ऐसे कैसे लिखा है नाइन डबल डिजिट में जो भी नंबर है उसको जोड़ के लिख रहा है फोर प्लस वन बराबर होता है फाइव सिंगल डिजिट वाले को ऐसे कैसे ठीक है सिंगल डिजिट वाले को देखो ऐसे कैसे सिंगल डिजिट वाले को ऐसे कैसे तो सिंगल डिजिट में कोई भी नंबर है तो उस नंबर को ऐसे कैसे लिख रहा है ठीक है और डबल डिजिट में है तो फिर दोनों को जोड़ के फिर लिखना है आपको तो आंसर निकाला जा सकता है बिल्कुल निकाल सकते हैं सर यहाँ से आएगा फोर यहां से आएगा बच्चों देखो फाइव यहां से आएगा वन प्लस टू बता दो जल्दी थ्री बहुत बढ़िया यहां से बताइए एट और यहां से कितना आएगा

2024 के लिए और जिनकी आने की बहुत सारी संभावना है पी सी वगैरह के जो एग्जाम है इनसे सीधे एग्जाम्पल जो है प्री में उठा लेता है और ये सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिस क्लास में मैं सारे के सारे आपको सॉल्व करा दूंगा ठीक है ये अलग अलग जगह से मैंने आपके लिए मेहनत की है इन पर सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया है तो यहाँ पर देखें इसमें सीरीज क्या चल रही है आप सभी भी एक बार ट्राई करें जब तक मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए है ना आप सीरीज का पता करें क्या सीरीज चल रही है आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा वीडियो को बच्चों लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं ठीक है उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना जरूरी है चलो तो यहां पर देखिए नंबर लिख देता हूँ भाई के का इलेवन है इसका वन है इसका थर्टीन है वन है और ट्वेल्व है मैंने कहा था डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो जोड़ के लिखना है सिंगल को ऐसे कैसे लिखना है याद है क्या आपको तो एक बार ट्राई करो ना उससे थर्टीन वन एट वन और ट्वेल्व देखना भाई वन प्लस वन टू आएगा सर सिंगल ऐसे ही आएगा वन प्लस थ्री फोर आएगा सिंगल ऐसे ही वन प्लस टू थ्री वन प्लस थ्री फोर आएगा सिंगल ऐसे ही आएगा एट ऐसे के ऐसे वन ऐसे के ऐसे और यहाँ से आएगा थ्री यानी कि फोर्टी वन एटी वन थ्री फोर्टी वन एटी वन थ्री यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है तो एक बार देख लीजिए और इसकी जो पी है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है उस पर भी आपको पी जो है इसकी मिल जाएगी जो क्लास हमारी चल रही है ये है ना ये क्रैश कोर्स जो चल रहा है प्रैक्टिस क्लास जो चल रही है आर एस प्री टू के लिए इसकी जो क्लास है इसकी पी डी एफ टेलीग्राम रीजनिंग ऋषि सर चैनल है और रीजनिंग ऋषि सर नाम से ही हमारी एप्लीकेशन है दोनों में से या तो दोनों जगह कोशिश मेरी यही है ये दोनों जगह पीडीएफ डलवा दूंगा नहीं तो फिर दोनों में से कोई एक जगह पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी मिलेगी बढ़ते हैं आगे ये एग्जाम्पल आया हुआ था बिहार पीएससी प्री में 2017 में आया हुआ था और इससे ये कैसे आएगा वो हमें पता करना है जब तक आप एक बार ट्राई तो कर लो और मैं इसको एक बार ना साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए कि क्या सीरीज चल रही है जब तक पर एक बार ना आप इसको ना स्वयं एक बार सॉल्व करके देखें कि सीरीज का क्रम क्या है क्या इसमें जो है ट्रिक काम आ रही है क्या मेथड काम में आ रहा है वो आपको देखना है और अगर आप कोशिश करते हैं तो ये सॉल्व जरूर होंगे आपसे कोडिंग डिकोडिंग जो है चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है आर एस प्री के हिसाब से जब से प्री शुरू हुआ है तो 2013 में पहला प्री का पेपर हुआ था जब से मैथ रीजनिंग जुड़ी है थर्टीन के बाद मैं कैंसिल होकर फिफ्टीन में हुआ था फिर सिक्सटीन में हुआ था फिर एटीन में एटीन के बाद सीधा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन के बाद ट्वेंटी थ्री कोडिंग रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं रुका कम से कम एक एग्जाम्पल तो पूछता है और बहुत सारे प्री ऐसे भी थे आप पुराने पेपर देखना जब कोडिंग रिकॉर्डिंग से दो एग्जाम्पल पूछे गए थे ठीक है तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आपको सीरीज पता करें कर करेंगे हम और आपको बताना है एक बार खुद अपनी अपने हिसाब से कि सीरीज क्या चल सकती है इसके अंदर ठीक है तो यहां अक्षर के ऊपर हम एक बार नंबर लिख देते हैं तो आप आइए देखिए नाइनटीन ट्वेंटी वन एटीन सेवन नाइन थ्री वन 19 ट्वेंटी एटीन नाइन 11 और फाइव यहाँ भी नंबर लिख देता हूँ थर्टीन फाइव ट्वेंटी एटीन फिफ्टीन ट्वेंटी एटीन वन वन के बाद ये क्या लिखा था आई था क्या हाँ सर आई था तो आई का नाइन और फोर्टीन ये ठीक है नंबर लिख दिया अब देखो मेरी बात सुनो यहां पे सबसे पहले ये था नाइनटीन नाइनटीन से आना चाहिए वन वन कैसे आ सकता है नाइनटीन से आप यहां देखें एक बार भाई एस का नंबर आता है नाइनटीन पे वन प्लस नाइन बराबर टेन और इसमें वन प्लस जीरो बराबर वन यानी अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक की सिंगल डिजिट आए तो दोबारा देख लो एस का नंबर उन्नीस पे होता है एक और नौ को जोड़ें तो दस एक और जीरो को जोड़ें तो एक यानी जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तो एस का नाइनटीन वन प्लस नाइन बराबर टेन और वन प्लस जीरो बराबर वन ठीक है तो यहां देख लो सीरीज कि सर यहां नाइनटीन से जो आएगा वो वन आएगा बिल्कुल सही है ट्वेंटी वन वन प्लस टू थ्री आएगा वन प्लस एट कि सर नाइन आएगा सिंगल डिजिट ऐसे कि ऐसे सिंगल डिजिट ऐसे की ऐसे सिंगल डिजिट ऐसे की ऐसे सिंगल डिजिट ऐसे की ऐसे डबल को जोड़ना है वन प्लस टू बता दो थ्री देखो वैसे इतना बड़ा सॉल्व करने की इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको ऑप्शन को देख के ना आंसर फटाफट आता है पर यहाँ सीरीज में पूरी बता रहा हूँ और आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट जो क्रम है वो पूरी सीरीज में क्या है ठीक है यहाँ देखो अब आगे यहाँ से आएगा वन नाइनटीन में वन आता है लिखाया था मैंने ट्वेंटी से आएगा टू एटीन से आएगा बच्चों नाइन ये सिंगल नाइन है ये जोड़ के आएगा दो और ये सिंगल फाइव है आंसर निकाल सकते हो वहाँ पे ही हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से फोर आएगा यहाँ से फाइव आएगा यहाँ से देखो टू आएगा यहाँ से आएगा नाइन यहाँ से आएगा सिक्स और उसके बाद देखो यहाँ से आएगा टू और यहाँ से आएगा नाइन यहाँ से आएगा वन और यहाँ से आएगा नाइन और यहाँ से आएगा फाइव तो फोर्टी फाइव ट्वेंटी नाइन फोर्टी फाइव ट्वेंटी नाइन सिक्स ठीक है ये नहीं हो सकता फोर्टी फाइव ट्वेंटी नाइन सिक्स ट्वेंटी नाइन वन नाइनटी फाइव सही आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा देख लीजिए इस तरीके से जो है वो ये सॉल्व हुआ है पूरी क्लास एक बार देख लीजिए बोर्ड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नाइन नंबर का और अब बढ़ रहे हैं हम आगे टेन नंबर पे ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है और एक बार आप सभी इसको कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे मैं साइड में आपके लिए लिख भी देता हूं अगर इसको आपने देख ही लिया ना तो देख के ही कर दोगे सॉल्व ठीक है देखने का मतलब यूं नहीं है कि सिर्फ देख ही रहे हो देखने के बाद में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है आपको थोड़ी कोशिश भी करनी है ना सॉल्व करने की तभी तो सॉल्व होगा ये कि सर एल जो है ट्वेल्व नंबर पे आता है एल का ट्वेल्व पंद्रह पे सर ओ आता है वन पे ए आता है फोर पे डी आता है अरे बताओ आंसर निकाल सकते हो क्या बिल्कुल सर निकाल सकते हैं यहां से वन आएगा यहां से एलेवन आएगा और यहां से बच्चों फाइव आएगा है ना टू वन टू वन एलेवन फाइव यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है अब बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अब देखो बच्चों ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी मेहनत जो है वो मैंने करी है और ये इसमें वीडियो का आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे नॉमिनल चार्ज पे और अभी ये रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा आप सभी और इसमें अभी जो मैंने लेटेस्ट जो कोर्स लॉन्च किया है वो आर एस प्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के लिए मैथ्स रीजनिंग का कॉम्बो बैच जो है वो स्टार्ट किया है वैसे तो फोर्टीन हंड्रेड जो थी रह, इसकी जो प्राइस थी इसको मैंने एलेवन हंड्रेड पर किया है अभी ये ऑफर चला रखा है कुछ दिन के लिए है तो अभी मैथ्स रीजनिंग का जो कंप्लीट कॉम्बो जो कोर्स है वो आपको एलेवन हंड्रेड में पड़ेगा और साथ के साथ इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपको मिलने वाली हैं और इसमें जो 20 परसेंट जो मैथ रीजनिंग के आर एस प्री में आते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया हुआ है ठीक है तो आप देख लेना एक बार आगे बढ़ते हैं आर एस प्री टू थाउजेंड फिफ्टीन में एग्जाम्पल पूछा था यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको देखने हैं व्यंजन टोटल व्यंजन कितने हैं तो व्यंजन देखो एक तो ये रहा दूसरा ये रहा तीसरा ये रहा यानी कॉन्सोनेंट देखने टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं थ्री यहाँ पर टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं एक दो तीन तो आंसर कितना आएगा तीन तो जितने भी व्यंजन हैं उस हिसाब से इसका आंसर आया है ये आर एस का प्री था थर्टीन का जो कैंसिल होके, जो 15 में हुआ था उसमें ये एग्जाम्पल जो है पूछा गया था ठीक है अब बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ये अगला एग्जाम्पल आपके सामने है कि सर ए को लिखा जाता है दो बी को लिखा जाता है चार सी को लिखा जाता है छ क्या आपकी समझ में आ रहा है क्रम क्या चल रहा है कि हाँ सर डबल हो रहा है कि एक एक पे आता है दो लिख रहा है बी दो पे आता है चार लिख रहा है, कि सर सी तीन पे आता है तो छह लिख रहा है तो डबल ही तो चल रहा है इसी क्रम में हम आंसर निकाल सकते हैं या तो देखो सबका टोटल करके डबल कर देना या डबल करके टोटल कर देना बात तो एक ही है भाई या तो सबका नंबर रियल नंबर लिख के टोटल कर दो ठीक है और डबल कर दो फिर आंसर आ जाएगा या फिर पहले से ही प्रत्येक नंबर का डबल करके टोटल कर दो तो बात तो एक ही है पर ज्यादा आसानी रहेगी कि सर नंबर लिख के टोटल करके डबल कर देता हूं पी का नंबर देखो भाई इलेवन पे आता है सर आर का एटीन पे आता है सर ई e का फाइव पे आता है वी का ट्वेंटी टू पे आता है ई e का फाइव पे आता है एन का फोर्टीन पे आता है और टी का ट्वेंटी पे आता है सभी का अगर टोटल किया जाए तो ये आ रहा है आपके जोड़ लेते हैं एक बार देखो यहीं कहीं जोड़ लेते हैं यहाँ से तो आ गया सर चालीस आ गया चालीस के बाद में ये साठ हो चुका है साठ के बाद में साठ के बाद में यहाँ से साठ और तीस नब्बे हो चुका है ठीक है साठ और तीस साठ और तीस नब्बे और पाँच पचानवे कहाँ गलती करी है? एक बार देख लेते हैं यहाँ से अगर बात करें आर का पी का ओके रियल नंबर नहीं लिखा यहाँ गलती कर दी मैंने तो एक बार दोबारा से फिर से सॉल्व कर लेते हैं पी का नंबर गलत लिख दिया था हाँ जी देखो पी का होता है सोलह आर का होता है सर अट्ठारह ई का होता है फाइव है ना वी का होता है बाईस ई का होता है पाँच एन का होता है फोर्टीन नंबर और टी का होता है ट्वेंटी चलो आप जोड़ लो एक बार आप जोड़ लेते हैं यहाँ से अगर बात करें बीस एरा बीस के बाद में चालीस एरा कितने हो गए साठ हो गए है ना साठ के बाद में ये नब्बे और दस 10, सौ टोटल आ गया सौ सौ का डबल कर दो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे कितना दो सौ तो टू हंड्रेड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा तो जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में भी गलती नहीं होनी चाहिए जैसे मुझ पे हो गई थी है ना तो ध्यान रखना है आराम से सॉल्व करना है पर सही सॉल्व करना है तो ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है यहाँ पर थर्टीन नंबर का जो एग्जाम्पल है इसको हम एक बार सॉल्व करेंगे ठीक है क्या क्रम चल रहा है थर्टीन में थर्टीन में जो क्रम है ये आर एस मैंस का एग्जाम था टू थाउजेंड सिक्सटीन का एग्जाम्पल था मैं इसको ना साइड में लिख देता हूँ आपके लिए जिससे आपको पता रहे कि इसमें क्रम क्या चलने वाला है आर एस में 2016 में और 15 में दो बार जो है रीजनिंग और मैथ जो है आते थे पहले उसके बाद फिर रीजनिंग मैथ जो है वो प्री के लिए रह गए हैं ओनली पहले प्री और मेंस दोनों में आते थे और अब जो है वो आर एस से रीजनिंग हट चुकी है मैथ भी हट चुकी है तो अब ओनली प्री में आता है तो यहाँ देखो नंबर लिख देता हूँ नाइनटीन एट वन ट्वेंटी और नाइन ठीक है यहां से अगर बात करें टू ट्वेंटी वन नाइन ट्वेल्व और फोर यहां अगर नाइनटीन है नाइनटीन का मतलब है ए नाइन नाइनटीन का मतलब ए नाइन ठीक है अब हुआ क्या है सीरीज क्या चल रही है वो पता करिए यहां पर डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो पहले अंक को अक्षर में बदल रहा है ठीक है सिंगल ऐसे कैसे देखो एट वन फोर्टीन को क्या लिख रहा है ए फोर लिख रहा है ठीक है ट्वेंटी क्या लिख रहा है वी जीरो लिख रहा है और सिंगल जो है वो नाइन है तो डबल को डबल जो है उसके पहले आ, अगर बात करें डबल अंकों की कोई भी संख्या है पहले अंक को अक्षर में बदल के लिख रहा है और सिंगल को ऐसे कैसे लिख रहा है ठीक है उसी क्रम में आंसर भाई यहाँ से अगर आ रहा है टू आ रहा है आपका ठीक है और यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है सर बी वन आ रहा है ठीक है यहां से नाइन आ रहा है यहां से ए टू आ रहा है और यहां से आ रहा है फोर टू बी वन नाइन टू बी वन नाइन ए ट्वेंटी फोर टू बी वन नाइन ए ट्वेंटी फोर तो करेक्ट 2B19, आंसर तो जो है वो कौन सा ऑप्शन है ए तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल आपके सामने है तो यहां पर देखो लिखा हुआ है मीनाक्षी का कोड है एट सेवन सेवन नाइन फोर थ्री फाइव टू सिक्स ठीक है और वन फोर जीरो फाइव टू वन सिक्स इसी क्रम में आपको कोड निकालना है ये जो अक्षर के कोड आपसे पूछ रहा है ये सारे के सारे अक्षर जो है वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारे के सारे अक्षर जो है ऊपर दिखाई दे रहे हैं सामने इनका कोड है कोड देख के आपको इनका आंसर निकालना है ठीक है कैसे निकाल सकते हैं देखिए भाई के का जो कोड है वो आ रहा है सर थ्री ए का जो कोड है वो आ रहा है फोर थर्टी फोर किस किस ऑप्शन पे नहीं है ए भी कट गया ठीक है अब इसके बाद में आर का कोड जो आ रहा है वो आ रहा है, आ रहा है वन ठीक है उसके बाद में आई का जो कोड है आई का जो कोड है वो आ रहा है सिक्स कितना आ रहा है भाई सिक्स आ रहा है आई का कोड आई का कोड जो आ रहा है वो सिक्स आ रहा है ठीक है आई का कोड सिक्स आ रहा है इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा अच्छा इनमें भी है ये चलो अगला भी देख लेते हैं एस का जो कोड है यहाँ पर एस का कोड आखिरी से फाइव आ रहा है और एच का जो कोड है आपके एच का कोड जो है वो आ रहा है टू तो सही आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा कि सर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपने ये डी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है तो सारे कोड ऊपर थे सामने कोड सारे अक्षर ऊपर मौजूद थे सामने उनके कोड थे और कोड को देख के इनको आपको सॉल्व करना था ठीक है अब बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं फिफ्टीन नंबर का एग्जाम्पल है और यहां लिखा है ट्रेन इसी को इस क्रम में लिखा है यही सारे के सारे अक्षर जो हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं जितने अक्षर यहाँ हैं वही सारे अक्षर यहाँ हैं और इनका क्रम बदल रहा है तो देखो क्या क्रम बदल रहा है कि सर यहाँ से आर ए आई एन को तो ऐसे कैसे लिख दिया है और इस वाले को कर दिया है माइनस वन तो ठीक है मैं इस वाले को लिख दूंगा यूएस और इस वाले को कर दूँगा माइनस वन यानी यू एस ए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है जिरोने बच्चों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा बढ़ रहे आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल ये है सिक्सटीन नंबर का एग्जाम्पल है और यहां लिखा है और इसमें आपको क्रम पता करना है क्या क्रम चल रहा है और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है ठीक है तो यहाँ इनके ऊपर आप नंबर भी लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर और इस क्रम में रख है थ्री वन फोर टू वन टू थ्री फोर थ्री को पहले लिखना है और उसके बाद वन को लिखना है ठीक है थ्री वन फोर को लिखना है और उसके बाद टू को लिखना है ओ एल एन आई ओ एल एन आई यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये और इसी क्रम में आंसर आपको बताना है तो यहाँ पर देखो कोड के हिसाब से एस का कोड है टू आई का है वन एस का है टू टी का है थ्री ई e का है फोर और आर का है फाइव इसी क्रम में देखो ए का है सिक्स आर का है फाइव और सी का है सेवन आंसर निकालना है तो ए का कोड लिया था सिक्स आर का लिया था सर आपने फाइव फाइव ठीक है e ई का कोड क्या लिया था देखना एक बार ई e का कोड जो है वो लिया था फोर एस का जो कोड था वो टू था और टी का जो कोड था वो आपके थ्री था सिक्सटी सिक्स फाइव फाइव फोर टू थ्री एप्शन सही आंसर इसका होने वाला है ठीक है इस तरीके से हुआ है कोड के हिसाब से जो है इंसॉल्व कर रहा है बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ये अगला एग्जाम्पल है ये आर एस पी का एग्जाम्पल था टू थाउजेंड सिक्सटीन में एग्जाम्पल जो है आपसे पूछा गया था इसको सॉल्व करेंगे क्या क्रम है आप भी ट्राई करिए इसको फिर सॉल्व मैं करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सॉल्व कर देंगे इसको तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो नाइनटीन नंबर का एग्जाम्पल है इसमें आपसे पूछा जा रहा है अब देखो अगर इनके ऊपर नंबर लिख रहा हूं तो कोई सीरीज हमारे सामने बन के नहीं आ रही है कोडिंग मैंने बताई थी आपको क्लास के अंदर वन टू वन कोडिंग होती है वन टू वन कोडिंग फेल हो जाती है तो लास्ट टू वन कोडिंग होती है वन टू वन लास्ट टू वन दोनों कोडिंग फेल हो जाती है तो क्रॉसिंग कोडिंग और तीनों फेल हो जाए तो अपोजिट काम में आता है विपरीत क्रम से सॉल्व होने वाला है कैसे दूध वाला आजा मन उसी क्रम में जी आजा बॉय लव और इवनिंग ऑप्शन की अगर बात करें तो सही ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ये भी बिल्कुल वैसा ही है और यहीं, की यहीं देख लो चलो ये भी बिल्कुल वैसा ही है डी का कोड है थ्री ओ का है एट द रेट का है नाइन और एन का है, हैस ऐसे ही एन का है, हैस ए का है सिक्स परसेंट और फाइव इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको तो मोड का कोड पूछ रहा है एम का जो कोड है यहाँ लिख लेते हैं एम का जो कोड है आपके सामने वो है सब परसेंटेज ओ का जो कोड है वो है एट द रेट डी का कोड है थ्री और ई e का जो कोड ले रहा है वो ले रहा है फाइव सही ऑप्शन आएगा परसेंटेज एट द रेट थर्टी फाइव यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है कोड के अनुसार जो है वो सॉल्व हो रहा है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है ये जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं जब भी इतना बड़ा सा प्रश्न पूछा जाए तो इनको हमेशा आपको जो सॉल्व करना है वो ऑप्शन के हिसाब से करना है ऑप्शन से बहुत जल्दी आंसर आता है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो देखो ई ए और यहाँ से ओ यू तो यहाँ से ओ यू उसी क्रम में आंसर निकालिए तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो एक तो आएगा बच्चों एस टी ठीक है और एक आएगा यहाँ से आपके टी आई टी आई कितने ऑप्शन की शुरुआत एस टी टी आई से हो रही है एस टी टी आई सर दो ऑप्शन की शुरुआत हो रही है एक तो ये कट गया एक ये कट गया फाइनल है अब दो ऑप्शन मेरे पास बचे हैं इसके बाद में क्या ले रहा है एच आर को ले रहा है सर ये एच आर ये यहाँ से एच आर को ले रहा है ठीक है तो मैं एक काम करूंगा किस को लूंगा यहाँ से मैं भी ले लूंगा सर बी यू बी यू को ले लूंगा बी यू को ले लूंगा यहाँ से ठीक है इसी क्रम में अगर आगे देखें तो बी आर ले रहा है शुरुआत से तो मैं यहाँ से डी आई ले लूंगा शुरुआत से और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके एस टी टी बी यू डी आई एस टी टी आई बी यू ओ तो यहाँ पर सही आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा ठीक है इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है देख लीजिए ट्वेंटी वन नंबर का एग्जाम्पल है ऑप्शन की सहायता से किया है मैंने ये ट्वेंटी टू नंबर का एग्जाम्पल है ट्वेंटी टू में क्या कह रहा है देखो सारे कोड लिखे हुए मेरे सामने यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं तो ध्यान देंगे पूरी क्लास ए का जो कोड है वो कितना है कि सर ए का कोड है एट एल का जो कोड है वो कितना है कि एल का कोड है सर सिक्स ई e का जो कोड है वो कितना है फोर ई e का कोड है फोर आर का जो कोड है वो कितना है आर का कोड है फोर और ई e का कोड देखो यहाँ से एक बार फाइव भी आ रहा है और एक बार जो है वो फोर आ रहा है ई e के डबल कोड आ रहे हैं तो एक काम करो ई की जगह को खाली छोड़ दो क्योंकि ई e के डबल कोड हैं फोर भी है और फाइव भी है फिलहाल आर का कोड जो है वो क्लियर है फोर है और टी का जो कोड है ये क्लियर है थ्री आर आए एटी सिक्स फोर्टी थ्री बीच में कोड पता करना है ये नहीं आ सकता ये हो सकता है हो सकता है ये नहीं आ सकता अब देखो सेवन और फाइव अब ई e का कोड या तो फोर होगा या फाइव होगा सेवन तो नहीं हो सकता इसलिए ये ऑप्शन को देख आंसर आएगा इसका फाइव कोड लिया गया है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है इस तरीके से ये ट्वेंटी टू जो है बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सॉल्व हुआ है हम बढ़ते हैं ट्वेंटी थ्री की तरफ ये सारे के सारे अक्षर जो यहां दिखाई दे रहे हैं वही अक्षर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं क्रम क्या है इनका देख लेते हैं एक बार ये तीन तो देखो ऐसे कैसे ले रहा है आई एन जी ठीक है यहाँ से सी एच को यहाँ लिया है और यहाँ से ई ए को यहाँ लिया है और टी को लिया है यहाँ इसी क्रम में आंसर आपको निकालना है ठीक है इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं सर कि अगर मैं बात करूँ इन तीन को तो ऐसे कैसे लेगा ये ई एन टी ठीक है और यहाँ से अगर बात करूँ इसको शुरू में ले आएगा डी आई उसके बाद में इसको ले लेगा आर ए ठीक है इस जी को ले आएगा यहाँ ऑप्शन की बात करें डी आई आर ए डी आई आर ए ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता ऑप्शन ए डी आई आर ए जी ई एन टी करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है ये बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ट्वेंटी फोर नंबर का एग्जाम्पल है यहां पर क्या क्रम चल रहा है क्या सीरीज चल रही है वो एक बार हम पता कर लेते हैं सीरीज का क्रम क्या है देखो यहां से अगर मैं देख रहा हूं सी से अगर बी को देख रहा हूं तो ये माइनस वन है ठीक है ये माइनस वन है ये जो है ये भी माइनस वन है ये भी माइनस वन है और ये भी माइनस वन है माइनस वन करें तो सर जे आएगा माइनस वन करें तो सर एच आएगा माइनस वन करें तो एम आएगा और माइनस वन करें तो सी आएगा ऑप्शन जे एच एम सी जे एच एम सी ऑप्शन आएगा ए ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है ठीक है अब बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है यहां पर भी आपको सीरीज पता करनी है यूपी पी सी मेंस का एग्जाम है ये 2009 में हुआ था सीरीज का पता करना है क्या क्रम चल रहा है हाँ जी क्रम क्या है देखो यहां एस से अगर आई की बात करते हैं तो प्लस वन है ई से एफ की बात करते हैं तो प्लस वन है ये भी प्लस वन है यहाँ भी प्लस वन है यहाँ भी प्लस वन है और यहाँ भी प्लस वन है बोलो आंसर निकाल सकते हो ऐसे ही बिल्कुल निकाल सकते हैं सर यहाँ अगर बात करें प्लस वन आई प्लस वन बी प्लस वन एस प्लस वन डब्लू प्लस वन बी प्लस वन एस प्लस वन ई e. ऑप्शन की बात करें आई बी एस आई ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता आई बी एस डब्लू बी डब्लू बी एस सी आई बी एस डब्लू बी ई एस नहीं ऑप्शन आएगा सी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है बढ़ते हैं अब देखो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है हमारा रीजनिंग ऋषि सर नाम से पीडीएफ जो है वो आपको यहीं मिलेंगी और हर दिन लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर देख लेना क्योंकि उस पैटर्न के एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है साथ ही साथ मैथ का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली टेलीग्राम पर आता है और इंस्टाग्राम रीजनिंग ऋषि सर नाम से और एप्लीकेशन हमारी रीजनिंग ऋषि सर नाम से हैं जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और ऋषि रीजनिंग फेसबुक तो ये सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट में जिन पे आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ में जिससे ये जो भी क्लास की अपडेट है वो सारी की सारी इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है ठीक है तो ये बच्चों कंप्लीट हो चुकी है हमारी पहली क्लास अभी आज मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग की फर्स्ट क्लास आपके सामने पढ़ाई है अभी ऐसा नहीं है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग पूरा हो गया प्रैक्टिस पूरी हो गई है नहीं अभी मेरी तरफ से प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है अभी तो आज मैंने ट्वेंटी फाइव एग्जाम्पल कराए हैं मैं नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपके लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग की लेके आ रहा हूं बने रहिएगा मेरे साथ में जय हिंद जय भारत राम राम साहब